हमारी सरकारें हैं वो लगातार चुनावी मोड में रहती हैं, एक के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे के बाद तीसरा चुनाव। शुरू में एक ही दिन में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाते थे, और उसके बाद चुनाव हो जाने के बाद पूरे 5 साल तक जो प्रतिनिधि चुन के जाता था लोगों की सेवा करता था। एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान मंच हिमाचल प्रदेश की बैठक प्रदेश अध्यक्ष रमेश भाऊ की अध्यक्षता में पंचरुखी में हुई। मंच के प्रवक्ता मंजीत डोगरा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान मंच की स्थापना 2014 में हुई थी। तब से मंच लोकसभा व विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाए हुए है। मंजीत डोगरा ने कहा कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो धन की बचत होगी और सरकार अपने कार्यकाल में पूरी तरह से विकास कार्य में समय दे पाएगी। कभी चुनाव तो कभी उपचुनाव, बार बार आचार संहिता लगाने के चलते विकास के कार्य पूरी तरह से प्रभावित रहते हैं और सरकारें लगातार चुनावी मोड में रहती हैं। हिमाचल प्रदेश की आज बैठक जो है वो पंचरुखी में मंच के प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री रमेश भाऊ जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जैसा कि ये विदित है कि एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान मंच वर्ष 2014 से हिमाचल में पूरे देश के अंदर लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने को लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाए हुए। आज इसी संदर्भ में यहाँ पर बैठक हुई और ये हमारा मानना है, मंच का मानना है कि अगर पूरे देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते हैं, एक साथ करवाए जाते हैं, तो उससे देश का अपार धन भी बचेगा, समय भी बचेगा और जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको पूरा अपने कार्यकाल 5 साल का जो समय है वो जनता की सेवा और विकास के कार्यों में जो अब करने का भरपूर अवसर मिलेगा। हमने अक्सर ये देखा है कि जो हमारी सरकारें हैं वो लगातार चुनावी मोड में रहती है, एक के बाद दूसरा चुनाव, दूसरे के बाद तीसरा चुनाव, और बहुत सारे जो विकासात्मक कार्य हैं वो भी सरकारें चुनाव के नज़रिए से ही करती हैं। हम ये धरातल पर देखते हैं कि जैसे ही चुनाव या उपचुनाव कहीं भी होना होता है तो ताबड़तोड़ घोषणाएं की जाती हैं और उसके वो धरातल पे चुनाव होने के बाद वो धरातल पे जो है वो उनका कुछ होता नहीं है। तो मंच का ये मानना है कि इस पे जो है वो सरकार कोई कानून लाए और देश के अंदर एक इकट्ठा चुनाव करवाने की जरूरत है, वो सरकार के। मैं अध्यक्ष हमारे मंच के अध्यक्ष माननीय रमेश भाऊ जी से निवेदन करूँगा कि वो अपनी बात। सभी जानते हैं कि देश को आज़ाद करवाने के लिए हज़ारों लोगों ने अपनी जानें दी, शहीद हुए और देश में आज़ादी हुई। आज़ादी का मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र आया। लोकतंत्र कैसे कि लोग वोट डालेंगे और सरकार बनेगी, सरकार लोगों के काम करेगी, विकास करेगी, लोगों को न्याय दिलाएगी। हमारी व्यवस्था ऐसी हो गई, पहले रहा शुरू में एक ही दिन में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो जाते थे, और उसके बाद चुनाव हो जाने के बाद पूरे 5 साल तक जो प्रतिनिधि चुन के जाता था लोगों की सेवा करता था। लेकिन बाद में ऐसी व्यवस्था हुई कि आज विधानसभा के इलेक्शन हैं, कल लोकसभा के इलेक्शन हैं, कहीं बाई इलेक्शन हैं। आज ऐसा तंत्र बन गया है कि हर साल हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं, और यहाँ सबको पता है कि इलेक्शन में जो जीत के जाएगा वो सरकार बनाएगा। तो सरकार के कुर्सी में बैठने के लिए इन किन प्रकार से सत्ता हासिल करने की कोशिश की जाती है। सत्तारूढ़ पक्ष घोषणाएँ करेगा और लोगों को प्रलोभन देगा, वहीं अथा व्यय उस धन उसमें व्यय करेगा, फिर वो अपनी सीट लेगा। तो हमारी मंच का एक ही अध्याय है कि एक ही दिन में लोकसभा और चुनाव विधानसभा के चुनाव हों और उसके बाद सारे जो नेता हैं वो डट के काम करें। और इसमें बहुत बड़ी बात है, जब इलेक्शन होते हैं तो सरकारी मशीनरी पटवारी से लेकर डीसी तक और कमिश्नर तक सबको इसी काम में लगाया जाता है, वोटर बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, और सरकारी तंत्र जो है इसमें व्यस्त हो जाता है, जो विकास जो उन्होंने करना होता है वो ठप हो जाता है। वहीं पर चुनावों में अथा धन व्यय किया जाता है, धन व्यय होगा उसका मतलब जो इलेक्शन के लिए 5 लाख खर्चेगा, जो जरूर कोशिश करेगा कि 5 साल में 50 लाख वो कमाए। तो ये व्यवस्था हम चाहते हैं कि देश में
आज़ादी का ठीक मतलब यही है कि एक दिन में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो जाएं और उसके बाद 5 साल तक जो चुने हुए नुमाइंदे डट के काम करें और लोग उनसे काम लें। हमारा मंच का ये, और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी आंदोलन और जो भी काम यहाँ पंचुकी से शुरू हुआ उसमें हमें विजय मिली है, चाहे देर से मिली है। आपको पता है जब मैं यहाँ पर चेयरमैन था तब बरवाना से हमने एक प्रस्ताव लिया था, प्रधान जी बैठे हैं, कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। पहले प्रधान को 10,000 रुपये भी लेना होता था, 10 चक्कर उसको MLA के लगाने पड़ते थे, डी साहब के लाने। आज गांव का प्रधान जो है, गांव का प्रधानमंत्री है। ये प्रस्ताव पंचुकी से गया था जिसे माननीय राजीव गांधी जी ने माना था और सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। आज पंचायती राज का जो प्रधान है वो गांव का प्रधानमंत्री, उसे किसी के आगे गिड़गड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे पूरा भरोसा है कि जो ये मंच का काम जो हमारे नौजवानों ने संभाला है, हम तो आपको सलाह दे सकते हैं, नौजवान मंजीत डोगरा जी हैं, दूसरे प्रधान जी हैं, मैं चाहता हूँ, और सारे स्टेट में हमारे यूनिट हैं और हर बुद्धिजीवी हमारे साथ है, और हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। और इस मिशन में हम कामयाब हो जाते हैं तो देश में स्वच्छ प्रशासन आएगा और विकास की गति तेज होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।